विसाखी तो पहला तख्त श्री दमदमा साहब विखे पुलिस दे इंतजाम हर पासे सख्त पैरा अजिहा इसलिए क्योंकि वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह वालों विसाखी मौके तख्त श्री दमदमा साहब विखे सरबत खालसा बुलाने की अपील जो सी। हालांकि जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल की अपील नू नजरअंदाज किया अते गुरमत प्रोग्राम बुला ले पर बावजूद इस दे पुलिस की नफरी वधी हुई है। दमदमा साहब की धरती से विसाखी के जोड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। अज अखंड पाठ साहब की आरंभता के नाल हर साल विसाखी के मौके से लखां संगतां दमदमा साहब विखे नतमस्तक होने के लिए पहुंचदियां ने, पर जेकर इस वार की गल की जाए तो इस वार पंजाब पुलिस ते पैरामिलिट्री फोर्स जिहड़ी है वो इन्नी वड्डी गिणती दे विच तैनात की जा रही है। बेशक ये बार बार कहा जा रहा है कि यह संगत की सहूलत दे लई इस वार जिहड़ी ये पैरामिलिट्री ते जिहड़ी पंजाब पुलिस इत्थे तैनात की गई है, पर जिन्ने भी लोग जिन्नियां भी संगतां इत्थे पहुंच रही ने सब वालों ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अमृतपाल के तहत वड्डी गिणती दे विच इस वार जिहड़ी फोर्स है वह तैनात की गई है। हालांकि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों भी इसका जिहड़ा विरोध किया गया सी कि बहुत वड्डी पद्धर से संगत जिहड़ी है वह आउंदी है ते इन्नी वड्डी पद्धर से इत्थे पुलिस जिहड़ी तैनात करनी वह कितें ना कितें संगत नूं ठेस पहुंचाउंदी है। पर सिविल कपड़िया दे विच वी मुलाजम तैनात ने दमदमा साहब विखे पैनी नजर रखी गई है। 14 अप्रैल नूं विसाखी वाले दिन धार्मिक समागम होणगे। 12 तों 15 अप्रैल तक तलवंडी साबो च दमदमा साहब च मौजूद सारे गुरु घरां नूं जाण वाले राहां ते पुलिस दे जवान तैनात रहणगे। इस दे विच कोई शक नहीं कि पुलिस वालों अमृतपाल दी भाल लई वड्डे पद्धर ते चौकसी वधाई गई है। तलवंडी साबो विसाखी दे रिगार्डिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट रिव्यू करन विजिट रखी सी कि अपने सारे अफसरां नाल मीटिंग की, नाले जिदा दे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्लान किए जा रहे हैं वो रिव्यू किए गए। तो यह मैं पंजाब पुलिस के बिहाफ से अश्योर करना चाहवागा कि असी फूल प्रूफ सिक्योरिटी इतने करांगे विसाखी के मौके से ताकि लोगों का जो फंक्शन सुखावा हो सके कन्वीनियंस नाल हो सके। असी स्टेट दे विच लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करके रखना है। सो पहला क्योंकि इतने लोगों का इकट्ठ बहुत होंदा है सो उसनू रेगुलेट करन लई लोगों को सिक्योरिटी देन लई ते जे कोई भी सानू वांटेड एलीमेंट इतने आऊगा तो उन्हें फड़ांगे। वैसे इस तो पहला जथेदार ने सुरक्षा के इंतजामों के नाम से संगत च भय पैदा करने के इल्जाम लाए सन। सख्ती की है या जिहड़ा है पैनिक क्रिएट की जा रही है इस नू जिहड़ा है वो खत्म करे। विसाखी है इत्थे संगतां ने आना हुंदा है और असीं तां हर साल ही देखते हैं 7 तरीक नू इत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ हो जांदा है, 6-5 तरीक तो इकट्ठ होना शुरू हो जांदा है, लेकिन संगत की गिणती जिहड़ी है वह 10% है। कारण की है? कारण यह कि हुकूमत ने पैनिक क्रिएट किया है। पहला उन्हें कहा कि अमृतपाल सिंह इतने गिरफ्तारी देगा, हुण कहन लग जाएंगे विसाखी वाले दिन गिरफ्तारी देगा जी, तो नाम के उत्ते जिहड़ा है वह एक पैनिक क्रिएट करन दा जिहड़ा यतन जिहड़ा है वह किया जाऊगा। इस तो सरकार जिहड़ी है वह ग्रेज करे, सरकार नूं इह चीज़ां चंगीआं नहीं लगदियां, सरकार दा भी हक खराब हुंदा है। ऑपरेशन अमृतपाल की गूंज पंजाब के सियासी धार्मिक गलियारों च खूब हो रही है, पर यह सवाल 26 दिन तो बरकरार है कि आखिर कित्थे है अमृतपाल। फरार वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह दे बटाला रेलवे स्टेशन दे पोस्टर भी लगे हुए ने। अमृतपाल सिंह दी तस्वीर वाले पोस्टर हेठां लिखा गया है कि वख-वख केसां च पुलिस नूं लोड़ींदा है ते जानकारी देण वाले नूं इनाम भी दिता जाएगा। GRP वल्लों इह पोस्टर लाए गए ने। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਰਾਜਦਾਰ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, पर अमृतपाल अजे भी पंजाब पुलिस की पहुंच तो दूर है।